हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेडहैट लिनक्स 7 में डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटर के नेम को चेंज कैसे करते हैं। रेडहैट लिनक्स 7 का बूट लोडर ग्रब 2 होता है। बाय डिफॉल्ट ग्रब 2 एक डिफॉल्ट टाइटल डिस्प्ले करता है बूट लोडर स्क्रीन पर, जो डिस्ट्रीब्यूटर के नेम को कंटेन करता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर के नेम को चेंज कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको grub underscore distributor वेरिएबल को मोड कस्टमाइज करना पड़ेगा /etc/default/grub फाइल में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन करना है, उसके बाद में आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है vim /etc/default और उसके बाद में grub। उसके बाद में आपको grub underscore distributor वेरिएबल को कस्टमाइज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इंसर्ट मोड पे जाइए और उसके बाद में जो भी टाइटल आप डिस्प्ले करना चाहते हैं बूट लोडर स्क्रीन पर, वो टाइटल आपको डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ माय सॉल्यूशंस। उसके बाद में इस फाइल को सेव कर लीजिए और उसके बाद में आपको grub फाइल का कॉन्फिग्रेशन अपडेट करना है। तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है grub 2-mkconfig-o, उसके बाद में /boot और उसके बाद grub 2 और grub.cx। ये कमांड जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड grub फाइल का कॉन्फिगरेशन अपडेट करेगा। grub फाइल का कॉन्फिगरेशन अपडेट होने के बाद में आपको इस सिस्टम को रिबूट करना है। जैसे आप सिस्टम को रिबूट करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि बूट लोडर स्क्रीन पर आपने जो टाइटल ऐड किया था वो टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार आप रेडहैट लिनक्स 7 में डिस्ट्रीब्यूटर के नेम को चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।